स्टूडेंट्स, आपको ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं जिनके लिए आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से है कि गुड्स बेचे गए हैं टू सुधीर, जो कि हरियाणा का है, और जो हमारा बिजनेसमैन है वो दिल्ली का है। ध्यान रखिएगा बच्चों, सुधीर को गुड्स बेचे गए हैं जो कि लुधियाना में है, दैट इज इन पंजाब, और जो हमारा सेलर है वो है दिल्ली में। गुड्स का लिस्ट प्राइस है 60,000, ट्रेड डिस्काउंट है उन पे 10%, और इनमें IGST चार्ज किया जाएगा 18%। ठीक है बच्चों, इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो यहां पर आप इस परचेज सेल को बच्चों क्रेडिट सेल लीजिएगा, क्योंकि यहां पे नहीं बताया गया कि वो पेमेंट इमिडिएटली कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो टेक इट एज क्रेडिट सेल। तो बच्चों यहाँ पर एंट्री बनाने से पहले थोड़ी कैलकुलेशन कर लीजिए। सबसे पहले गुड्स का लिस्ट प्राइस लिखिए, उसमें से इसका ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, जो नेट वैल्यू आएगी उस पर आपको IGST निकालना है 18%। तो 5400 का 54,000 का 10% होता है बच्चों 5400, 20% निकालने के लिए इसको डबल कर दीजिए 10,800, इसमें से इसका 2% माइनस कर दीजिए 1080, तो ये आ जाएगा बच्चों 20, और ये आ जाएगा 7,9720 आ जाएगा। ये IGST आप ऐड कर दीजिएगा, 20% निकाल के 2% माइनस कर दीजिए बच्चों, 18% निकल आएगा, ये हो जाएगा 63,720। ठीक है बच्चों, अब एंट्री कैसे बनेगी वो देख लीजिए। सुधीर हमारा डेटर है, और डेटर को हम डेबिट करते हैं जब हमारी क्रेडिट सेल होती है, बिकॉज डेटर इंक्रीज हो रहा है। टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है बच्चों, सेल्स अकाउंट में आप लिखिए जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट है 54,000, IGST में आप डालिए 9720, और टोटल अमाउंट जो आपको उससे लेना है वो है 63,720। इस तरह से बच्चों हमारी ये पहली ट्रांजेक्शन बन गई। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। हाँ, यहाँ पर पहले बच्चों एक बात ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल ये ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट तो किया जाता है बट उसको बुक्स में शो नहीं किया जाता, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अगले ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों। इस बार गुड्स बेचे गए हैं विकास को, जो कि पानीपत हरियाणा में है, और जो हमारा बेचने वाला है सेलर वो दिल्ली में है। ठीक है बच्चों, विकास को ये गुड्स बेचे गए हैं, गुड्स का लिस्ट प्राइस है ₹60,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, और IGST जो है वो चार्ज किया गया है 18%, और पेमेंट जो है वो चेक से पे किया गया है, यानी कि बैंक के थ्रू पे किया जाए, और ये पेमेंट इमिडिएटली कर दिया गया है बच्चों। तो ये जो सेल कहलाएगी वो कैश सेल है, बिकॉज पेमेंट इमिडिएटली कर दिया गया थ्रू चेक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। गुड्स का लिस्ट प्राइस देखिए जो कि 60,000 है, उसमें से आप पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिए जो कि 6,000 है, बचेगा 54,000, इस पे आपको IGST कैलकुलेट करना है 20%, तो 54,000 का 10% 5400 होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, 20% निकालने के लिए इसको डबल कर दीजिए, यानी 10,800, उसमें से 1080 2% माइनस कर दीजिए 27,900, तो 9720 ये आपका IGST आ गया, 63720 आपका टोटल अमाउंट है। एंट्री कैसे बनेगी बच्चों, इस बार ये सेल कैश सेल है तो विकास का नाम कहीं नहीं आएगा, बैंक को डेबिट करना है आपको। ठीक है बच्चों, सेल्स को क्रेडिट करना है, और आउटपुट IGST अकाउंट को क्रेडिट करना है। सेल में अमाउंट आएगा ट्रेड डिस्काउंट के जस्ट बाद वाला, ध्यान रखिएगा बच्चों। IGST में आएगा 9720,
और दोनों जोड़कर आ जाएगा 63,720 बैंक में, जितना अमाउंट आपको लेना है या जितना का चेक आपको मिला है। और ध्यान रखिएगा, ये जो कैश डिस्काउंट है, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट है, वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है। एंड क्योंकि ये सेल का पैसा तुरंत मिल गया है तो इट्स अ कैश सेल्स, और कैश सेल में पर्सन का नाम नहीं आता, दैट्स वाई विकास का नाम नहीं आया इन अवर जर्नल एंट्री। अब अगली ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों। यहां पर गुड्स बेचे हैं मेहर को, जो कि कोची यानी केरला में है, यानी अलग स्टेट में है, क्योंकि हमारा जो सेलर है वो तो इन दिल्ली है। तो मेहर को गुड्स बेचे गए हैं, लिस्ट प्राइस है ₹1,00,000, ठीक है बच्चों, और ट्रेड डिस्काउंट है 10%, IGST है 18%। इस बार पेमेंट आपको चेक से मिला है, लेकिन आपको 2% का कैश डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा है, और सारा पेमेंट आपको चेक से मिला है, लेकिन 2% का कैश डिस्काउंट देने के बाद आपको यह चेक मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो यह भी एक कैश सेल ही है, बिकॉज सारा पैसा आपको मिल गया, बट यहां पर कैश डिस्काउंट भी है जो आपको अलाउ करना पड़ रहा है टू योर डेटर। तो वो डेटर तो नहीं कहलाएगा, कस्टमर ही कहलाएगा बच्चों केवल, बिकॉज हम तो उससे कैश में सारा पैसा ले रहे हैं, दैट्स वाई। तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिखिए बच्चों गुड्स का, जो कि ₹1,00,000 है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिए, जो कि 10% है, यानी 10,000, बचा 90,000। फिर इस पे कैश डिस्काउंट निकालिए। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हैं, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर जो बैलेंस आएगा उस पे कैश डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। फिर कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे आपको IGST निकालना है 20%। तो 88,200 का 10% होता है 8820, 20% निकालने के लिए इसको डबल कर दीजिए 17640, इसमें से 2% माइनस कर दीजिए 1764, 10-4, 6, 13-6, 7, 15-7, 8, 16-1, 5, 15,876 आपका IGST आ गया। टोटल अमाउंट आ गया 104076। जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों वो देख लीजिए। याद रखिएगा कि ये सेल भी आपकी कैश सेल सी है, पर यहां पर बस कैश डिस्काउंट और आ गया है, जो आप जिसका आपको ध्यान रखना है। बैंक अकाउंट डेबिट करिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करिए, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है जिसे रिकॉर्ड करना पड़ता है, और सेल करते वक्त आपको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ रहा है, या ये कह लीजिए कि पैसा लेते समय डिस्काउंट अलाउ करना पड़ रहा है, तो वो कैश डिस्काउंट है। टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक है बच्चों। सेल्स में तो आप लिखिए नेट वैल्यू, जो उसको हटाने के बाद आई है 90,000। कैश डिस्काउंट जो है वो आपका 1800 यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड में। IGST आउटपुट IGST में आ जाएगा 15876, और टोटल अमाउंट 1,04,076 आ जाएगा बैंक में, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन करने के बाद ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा अमाउंट कहाँ जाना है। जितना पैसा आपने लिया है टोटल, जितने का चेक वो यहाँ लिख दीजिए, जितना कैश डिस्काउंट है वो यहाँ लिख दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट और लिस्ट प्राइस कहीं नहीं आते, ठीक है बच्चों। ये नेट वैल्यू थी, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू, ये आपका सेल्स में आ गया, और इन दोनों को जोड़कर बैंक में आ गया या IGST में आ गया। ये अमाउंट आप फिलहाल कहीं नहीं लिखेंगे, ठीक है। जिस अमाउंट पर IGST निकाला है उसको जोड़कर आप बैंक में लिखेंगे, क्लियर बच्चों। आइए अगली ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगली ट्रांजेक्शन कुछ ऐसी है कि अमर को गुड्स बेचे गए, जो कि आगरा में है, और हमारा सेलर जो है वो दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। गुड्स का लिस्ट प्राइस ₹2,00,000 है, और जो गुड्स बेचे गए हैं वो 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचे गए हैं। IGST जो इन पे चार्ज किया जाएगा वो 18% है। कैश डिस्काउंट 2% है, लेकिन इस बार आपको हाफ पेमेंट ही कैश मिला है, तो बाकी हाफ जो है वो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, बल्कि चेक से मिला है ध्यान रखना बच्चों।
बाकी हाफ जो है हम उधार मानेंगे उसको, ठीक है? तो ये इट्स अ पार्टली अ क्रेडिट सेल, पार्टली अ कैश सेल्स, और जो कैश सेल का पैसा है उसका वो पैसा आपको चेक से मिल गया है, बाकी उधार है। यहां पर बच्चों कैलकुलेशन कैसे की जाएगी उसको समझिएगा, और किस तरह से जर्नल एंट्री बनाई जाएगी वो भी ढंग से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले बच्चों आप इसको गुड्स के जो लिस्ट प्राइस उसके दो हिस्से में बांट, उसको दो हिस्से में बांट लीजिए, कैश पार्ट एंड क्रेडिट पार्ट। ये कैश सेल हो गई, ये क्रेडिट सेल हो गई। ट्रेड डिस्काउंट दोनों पे लगाइए, इस पे भी और इस पे भी। तो ट्रेड डिस्काउंट 10,000 आ जाएगा 10%, 10,000 आ जाएगा 10%। नेट वैल्यू आ गई 90,000, 90,000। कैश डिस्काउंट आप केवल इस वाले पार्ट पे लगाइएगा, यहाँ नहीं। 90,000 का 2% होता है 1,800, यहाँ कुछ नहीं लगाइएगा बिकॉज कैश डिस्काउंट उधार सेल पे लगता ही नहीं है। ये बचा 88,200, ये बचा 90,000 ही। IGST इस पे और इस पे लगाइए 18%। 90,000 का 10% 9,000, 20% 18,000, 18,000 में से 1,800 हटा दीजिए, ये आएगा 16,200। इसका बच्चों हमने अभी निकाला था, क्या निकाला था बच्चों याद है कुछ? मैं बताता हूँ बच्चों याद करके, 15876। अब इनको जोड़ दीजिए, इधर जोड़ेंगे तो आएगा 1,06,200, इधर जोड़ेंगे तो ये आएगा 1,04,076। यही आया था बच्चों पहले भी, पिछले ट्रांजेक्शन देख लीजिएगा बच्चों वहां से ही। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो देखिए, आपको यहां पर उस व्यक्ति को भी डेबिट करना होगा अमर को, बिकॉज इट्स पार्टली ए क्रेडिट सेल, लेकिन साथ साथ बैंक को भी डेबिट करना है, डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करना है, आप ये पूरा नाम लिख लीजिएगा बच्चों, अमर को भी डेबिट करना है बिकॉज ये पार्टली क्रेडिट सेल भी है। टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट। अमाउंट कैसे भरने हैं, असली टास्क तो वही होता है बच्चों, तो आइए उस टास्क को पूरा कर लेते हैं। ये दोनों नेट वैल्यूज जोड़ दीजिएगा, कैश वाले सेल की और क्रेडिट वाले सेल की, दोनों ही आपका सेल्स में आ जाएगा 1,80,000। इससे पहले का कुछ नहीं आता बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट से पहले का और ट्रेड डिस्काउंट खुद दोनों कहीं नहीं आते हैं। कैश डिस्काउंट आपका डिस्काउंट अलाउड में आ जाएगा 1,800। ये जो टोटल है ये बैंक का है, ये बैंक में आ जाएगा 1,04,076। ये जो टोटल है ये आपका अमर में आ जाएगा 1,06,200। आउटपुट IGST में क्या आएगा वो भी सुन लीजिए और देख लीजिए, ये दोनों जोड़ दीजिए, ठीक है बच्चों? 15 और 16 31 होता है, 32,076 आ जाएगा, 32,076 मतलब 32,076, ठीक है बच्चों? क्लियर हो गया अच्छी तरह से, आ गया समझ में किस तरह से अमाउंट फिल करने हैं और कैसे जर्नल एंट्री बनानी है? बिल्कुल आ गया होगा बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।